ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए थैलेसीमिया की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं हेमाटोलॉजी विभाग एम्स के डॉक्टर मुकुल अग्रवाल और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य हर जीवन का अहम पहलू है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी मानव जाति के सामने हमेशा से रही हैं। कुछ बाहरी कारणों से होने वाली समस्याएं और कुछ अंदरूनी कारणों से। ऐसी ही एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, जो एम्स में रक्त विज्ञान विभाग से हैं। डॉक्टर मुकुल, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, मैं श्रोताओं का और आपका अभिनंदन करता हूं। जी डॉक्टर मुकुल, सबसे पहले श्रोताओं को ये जानकारी दें कि थैलेसीमिया क्या है और क्यों होता है। देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, एक अनुवांशिक रोग है, जिसके अंदर शरीर में जो लाल कण रहते हैं खून के, वो ठीक से नहीं बन रहे होते हैं। तो ये जो एक अनुवांशिक म्यूटेशन के कारण रहता है, जो दोनों पेरेंट्स से बच्चे में आ रही होती है, इस कारण से बच्चे में जो लाल कण रहते हैं खून के अंदर, वो नहीं बन रहे होते हैं। बच्चे को बार बार इसमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अमूमन 6 से 8 महीने बाद से उसको ब्लड चढ़ाने की रेगुलर जरूरत पड़ने लगती है। बीमारी जो है ये अनुवांशिक रोग है, इसमें जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं, मतलब वो जो जीन जो है उसको कैरी कर रहे होते हैं, ट्रेट होते हैं, और दोनों के मेल से बच्चे में जो है बीमारी पूरा उग्र रूप या फिर तेज रूप में आ रही होती है। जैसे कि आपने बताया ये अनुवांशिक है और इसके कैरियर माता पिता दोनों हो सकते हैं, मतलब क्या पुरुष और स्त्री दोनों ही इसके कैरियर हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों ही इसके कैरियर होते हैं, तभी बच्चे में बीमारी जा रही होती है। और लेकिन ये बीमारी संतान भी, पुरुष या स्त्री किसी को भी हो सकता है? वैसे ये बीमारी पुरुष और स्त्री दोनों में ही पाई जाती है, और अकेले अगर आप कैरियर हैं या दोनों अगर पेरेंट्स कैरियर हैं, तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने की जो संभावनाएं होती है वो लगभग 25% होती है, मतलब हर बच्चे में लगभग 25% चांस होता है या संभावना होती है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित। अकेले अगर आप कैरियर स्टेज रहते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रह सकता है नॉर्मल के मुकाबले, बट बीमारी के जो और लक्षण है वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, इसके लिए क्या सुविधाएं हैं, कैसे इसकी पहचान की जा सकती है, किस अवस्था में की जा सकती है, क्या गर्भावस्था में इसकी पहचान संभव है? थैलेसीमिया की पहचान बहुत जल्दी की जा सकती है। रूटीनली अगर हम लोग कॉमन तरीके से देखें तो जो हम लोग का कॉमन जो ब्लड टेस्ट जो रहता है, जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC वगैरह देखते हैं, तो उसमें कुछ और जो मात्राएं रहती हैं वो हम लोग उसको देखकर काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि किस पेशेंट में या किस रोगी में थैलेसीमिया का संभावनाएं हैं कि नहीं। अमूमन इसमें जो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहता है, और जो रेड सेल्स हैं, जो लाल कण हैं, वो भी काफी कम हो जाते हैं, तो उनसे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि ग्रसित हो सकता है मरीज। बाकी इसको डायग्नोज करने के लिए एक HPLC नाम से टेस्ट रहता है या इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से टेस्ट रहता है, जिससे बीमारी का डायग्नोसिस काफी जल्दी और काफी समय से किया जा सकता है। यह टेस्ट जो है हम लोग 6 महीने की अवस्था के बाद एडवाइस कर रहे होते हैं, उससे पहले भी इसको किया जा सकता है, बट उसको कन्फर्म जो है या पक्का जो विश्वास से है वो लगभग 6 महीने की अवस्था के बाद किया जा सकता है। कभी कभी मरीज को ब्लड चढ़ा होता है, तो ऐसे में हम लोग बच्चे के माता पिता के टेस्टिंग से, जिसमें हमें कैरियर स्टेट का पता चले, और बच्चे के सिम्टम से हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चे के अगर माता पिता अवेलेबल नहीं है, तो उसमें DNA टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग या म्यूटेशन टेस्टिंग से भी इसका पता लगाया जा सकता है। आपने पूछा कि क्या हम लोग इस रोग के बारे में गर्भावस्था में पता कर सकते हैं। हाँ, इसकी भी सुविधाएं अवेलेबल हैं, बट ये जो सुविधा जो गर्भावस्था में टेस्टिंग की सुविधा है, ये केवल मेजर या बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध है। अब जैसे आपने बताया कि अभी सिर्फ बड़े अस्पतालों में, लेकिन इस दिशा में लगातार नई खोजें हो रही हैं, और जो सुविधाएं हैं अगर हम पूरे भारत की बात करें तो एक तो नई खोजें क्या क्या हैं और वो कहां कहां तक उपलब्ध हैं? देखिए, जांच की जो HPLC और इलेक्ट्रोफोरिस की सुविधाएं हैं वो तो मोर और लेस ज्यादातर सारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहां पर अब काफी हद तक उपलब्ध हैं। ये जो टेस्ट हैं ज्यादातर जो हम लोगों की कमर्शियल लेबोरेटरीज हैं वहां पर भी उपलब्ध हैं, तो उस मामले में दिक्कत नहीं रहती है। हमारे पास जैसे एम्स में काफी सारे छोटे बड़े शहरों से मरीज आ रहे होते हैं,
जिनके पास ऑलरेडी ये डायग्नोसिस हुआ हुआ होता है, तो उन्होंने भी अपने सरकारी अस्पताल से या फिर प्राइवेट लैब से ये टेस्ट कराए हुए होते हैं, उनके डॉक्टर्स ने कराए हुए होते हैं। तो उपलब्धता उतना बड़ा कारण हमेशा नहीं रहता, क्योंकि अमूमन जब बच्चे को खून की आवश्यकता पड़ती है इस तरीके से, तो ये एक जांच की तरह ये भेज दिया जाता है आपके जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और उसके नीचे भी अगर आपका कमर्शियल जो लैब्स हैं वहां इन टेस्ट के मिलने की संभावनाएं काफी रहती हैं। सीबीसी जो टेस्ट है या हीमोग्लोबिन वगैरह का टेस्ट है वो ज्यादातर सभी अस्पतालों में अवेलेबल रहता है, ये मिल जाता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं रहती है। इसके सिवा जैसे हमने बात किया कि जेनेटिक टेस्ट या गर्भावस्था के समय टेस्टिंग की, यह टेस्ट अभी केवल कुछ मेडिकल कॉलेजेस में और बड़े अस्पतालों में ही अवेलेबल है। इसका कोशिश हम लोगों को करना चाहिए कि गर्भावस्था में पहले 3 से 4 महीने के अंदर इस टेस्ट को करवा लें। और अगर पहचान हो जाती है किसी बच्चे में कि उसे थैलेसीमिया है, अब उसके जीवन में आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट थैलेसीमिया का उतना मुश्किल नहीं है, बच्चे को ब्लड की जरूरत रहती है, याद रखने के लिए उतना मुश्किल नहीं है, बट एक्चुअली में काफी ज्यादा दिक्कतें पेरेंट्स को और बच्चे को आती हैं इसमें। ट्रीटमेंट में 2 चीजें हैं, ब्लड चढ़ाना रहता है नियम से, बच्चे को ब्लड चढ़ाने की जो जरूरत है वो हर 3 से 4 हफ्ते में पड़ती है। कुछ समय बाद ब्लड जो चढ़ता रहता है, इसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो है हर ब्लड के साथ आयरन इकट्ठा होने लगता है। ये जो आयरन जो है शरीर बाहर निकालने में असक्षम रहता है, इसलिए इसमें आयरन ओवरलोड जो है उसकी संभावनाएं बढ़ने लगती है। ये जो आयरन की ज्यादा मात्रा है ये हमारे लिवर को, दिल को, एंडोक्राइन ग्रंथियों को जैसे पैंक्रियास को, थायराइड को, इन सब जगह इफेक्ट करती है या इसके अंदर रोक कर सकती। तो अमूमन जब बच्चे को 10 से 15 ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ जाते हैं और उसकी उम्र 2 साल से ऊपर हो जाती है, तो हम लोग एक फेरेटिन करके टेस्ट रहता है वो चेक करके, उसकी मात्रा अगर 1000 से ऊपर हो तो हम लोग बच्चे को शरीर में आयरन की मात्रा कम करने वाली दवाइयां, जिसको हम लोग किलेटिंग एजेंट बोलते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ओरल और मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में कॉमनली दवाई दी जाती है और कभी कभी इंजेक्शन की तरह दी जाती है। ये तो रहा मोस्टली जो हम लोग अक्सर ही बच्चों को दे पाते हैं इलाज, हर 3 से 4 हफ्ते में ब्लड चढ़ाने का और साथ साथ आयरन किलेशन का। इसके सिवा जो पक्का इलाज जो है थैलेसीमिया का वो रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है देश में लगभग 125 सेंटर्स पर उपलब्ध है, जहां पर अलग अलग बीमारियों के ट्रांसप्लांट जो है मरीजों के किए जाते हैं, तो थैलेसीमिया भी उनमें से एक बीमारी रहती है। जो हेमेटोलॉजी के डॉक्टर हैं या ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर हैं वो इस बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट के लिए सक्षम रहते हैं। ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के लिए अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम हो और उसको ठीक मात्रा में आयरन किलेशन मिला हो तो उसके रिजल्ट जो है काफी बेहतर रहते हैं। ये सुविधा अभी मेजर सिटीज में, देश की सब बड़ी बड़ी सिटीज में उपलब्ध है और अब काफी हद तक जो सेकेंड टीयर सिटीज हैं वहां पर भी उपलब्ध होने लगी है। विशेष कारणों में और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के कारण ये सारे जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर अभी उपलब्ध नहीं। जी, इसके सिवा अगर आप नई सुविधाओं के बारे में देखें तो विदेशों में अब थैलेसीमिया क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है तो जीन थेरेपी भी अब उपलब्ध होने लगी है विदेशों में, बट उसके ऊपर हमारे देश में भी कुछ ट्रायल चालू होने की शुरुआती स्टेजेस में ट्रायल चालू होने वाले हैं अभी। और विदेशों में जो जीन थेरेपी है उसके अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं और अमेरिका में और यूरोपीय संघ में ये अप्रूव भी हो चुकी है, बट अभी उसका कॉस्ट काफी ज्यादा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शोध के द्वारा भारत में जब ये टेक्निक उपलब्ध होगी तो ये आम रोगियों के लिए भी कारगर साबित हो पाएगी। जी, अभी जैसे आपने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात है, क्योंकि वो इलाज वही है अभी उपलब्ध अगर हम देखें भारत में, तो इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि ये कैसे होता है और इसमें डोनर कौन हो सकता है और पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया रहती है जो विशेषतर ट्रेन डॉक्टर जो आपके कर रहे होते हैं। इसमें जो डोनर रहते हैं वो एक HLA नाम की जांच रहती है जो मरीज से और उसके सगे भाई बहनों से कर रहे होते हैं। अगर एक सगे भाई बहन का HLA मैचिंग होने की संभावना लगभग 25% के करीब रहती है, तो एक में से 4 मरीज को ऐसे एक भाई बहन मिल जाते हैं जिसमें से उनका सिबलिंग का ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसके सिवा दुनिया भर में काफी सारी वॉलेंट्री डोनर्स की या स्वैच्छिक डोनर्स की रजिस्ट्रीज हैं जहां से आपको पूरा HLA मैच के डोनर्स मिल सकते हैं। भारत में भी ऐसी कुछ रजिस्ट्रीज हैं जो इस तरीके से डोनर्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा कुछ सेंटर्स हैं जहां पर आधे मैच वाले ट्रांसप्लांट या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड वाले ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया जो है उपलब्ध कराई जाती है।
ट्रांसप्लांट जो है एक विशेष प्रक्रिया रहती है जिसमें हम लोग डोनर से कुछ स्टेम सेल्स निकालते हैं। ये स्टेम सेल जो हम लोग ब्लड से या फिर उसकी अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो से हम लोग निकाल रहे होते हैं। इस बीच में मरीज को हम लोग कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयां देते हैं जिससे मरीज जो है वो स्टेम सेल्स को अपना सके। स्टेम सेल देने के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद मरीज के अंदर ये स्टेम सेल अपने आप से खून बनाने रखते हैं। इस दौरान मरीज भर्ती रहते हैं और इन्फेक्शन से बचने के लिए और इम्यूनिटी रेगुलेट करने की दवाइयां मरीज को दी जाती हैं। ये दवाइयां लगभग 1 साल तक चलती हैं और ज्यादातर मरीजों में 2 से 3 हफ्ते बाद जो स्टेम सेल्स हैं वो डोनर के जो स्टेम सेल्स हैं वो अपने आप जो है खून बनाने लगते हैं और मरीज जो है स्वतः नॉर्मलसी की तरफ बढ़ जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों में थैलेसीमिया के मामले कम हों इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम लोग थैलेसीमिया की जो स्क्रीनिंग जो है एचबीएलसी टेस्ट या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जिसमें हम लोग HbA2 नाम से जो हीमोग्लोबिन रहता है उसका जांच जो है हम लोग बहुत ही बड़े स्तर पे और बहुत ही जागरूकता के साथ आगे बढ़ाएं। ये स्क्रीनिंग या आपको आपके थैलेसीमिया कैरियर होने का पता जितना जल्दी पता चल सके लाइफ में उतना अच्छा है। इसके लिए स्कूल में कॉलेजेस में प्रोग्राम हो ताकि आपको आपके कैरियर स्टेटस का पता जल्दी से जल्दी पता चल सके। अगर आपका विवाह थैलेसीमिया कैरियर से या उस तरह के कैरियर से नहीं रहता है तो आपके बच्चों में थैलेसीमिया रोग जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग इसकी जागरूकता फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कराकर अपने थैलेसीमिया कैरियर हो स्टेटस होने का पता लगा सके और उसी के हिसाब से आगे अपनी जो जन्म कुंडली बोलते हैं अपनी जेनेटिक कुंडली मैच करके आगे अपने विवाह को और आगे बच्चे पैदा करने का निश्चय करें। जी, इसके अलावा एक और चीज है जो भी कुछ साल पहले भारत सरकार ने RPW एक्ट में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में थैलेसीमिया को शामिल किया है, उससे क्या फर्क आया है, कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जो विकलांग एक्ट है उसके अंदर थैलेसीमिया लगभग पिछले 7 साल के करीब से है। इससे जो है जो थैलेसीमिया से जो ग्रसित मरीज हैं उनमें जिनमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ रहा होता है या थैलेसीमिया मेजर के जो मरीज हैं या जिनको इन्फेक्शन हुए होते हैं उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये सर्टिफिकेट विशेष जो सरकारी अस्पताल है वहां से मिलता है और ये उनको आगे जाकर एजुकेशन में और नौकरियों में सुविधाएं देने का काम करता है। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पिछले लगभग 6 सालों से होल इंडिया जो सरकारी संस्थान है वो ट्रांसप्लांट के लिए बच्चों के ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है देश भर के लगभग 7-8 सेंटर्स पर। तो वो एक प्रोग्राम है जिससे काफी सारे बच्चों का ट्रांसप्लांट हम लोग कर पा रहे हैं। और अंत में जैसे आपने बताया कि जागरूकता फैलानी चाहिए इसके बारे में कि आगे थैलेसीमिया के मामले कम हो सके और बच्चों को सफर कम करना पड़े, अगर हम कार्यक्रम के अंत में कहना चाहें कि अगर 3-4 बिंदु अगर आप हाईलाइट करना चाहेंगे दोहराना चाहेंगे तो कौन से हैं? ठीक है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसका होने से बचा जा सकता है अगर हम लोग थैलेसीमिया की जांच खुद में कराते रखें और अपने थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस होने का पता लगाए। बीमारी से ग्रसित मरीजों को काफी दिक्कतें रहती हैं, रेगुलर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो खराब बीमारी है जिससे हम लोग अगली जनरेशन में जाने से बचा सकते हैं अगर हम लोग जागरूक रहें, अपने थैलेसीमिया की जांच कराएं और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं एक ज्ञानित डिसीजन हम लोग लें कि हमें अगली जेनरेशन में थैलेसीमिया देना है कि नहीं। डॉक्टर मुगुल अग्रवाल, सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे थैलेसीमिया की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे हेमाटोलॉजी विभाग एम्स के डॉक्टर मुकुल अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।